नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट 20 खबरों पर। चीन ने ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन का उड़ाया मजाक। ट्रंप के बिजनेस को न्यूयॉर्क में बैन करने की मांग। धोखाधड़ी केस में देना पड़ सकता है 20 अरब का जुर्माना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को 4 साल बाद लंदन से लौटेंगे वापस। ईरान महज 2 हफ्तों में बना सकता है परमाणु हथियार, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में दावा। पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद। प्रशांत महासागर की ओर से आ रही तबाही रोक लो, चीन में महासंकट के बाद विशेषज्ञों ने अमेरिका को चेताया। इंग्लैंड में खालिस्तान समर्थकों की लगातार बढ़ रही गतिविधियां, भारतीय दूतावास को घेरने पहुंचे खालिस्तानी, पुलिस ने रोका। दुनिया में मलेरिया के दूसरे टीके R21 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दे दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल बनाएगा 10 करोड़ डोज। ISIS आतंकी समेत 3 अन्य आतंकी गिरफ्तार, सभी पेशे से इंजीनियर। उत्तर भारत में IED ब्लास्ट करने की कर रहे थे प्लानिंग। महाराष्ट्र के अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत, 24 घंटे में गई थी 24 की जान। बिहार सरकार ने सोमवार को जारी की जातीय गणना के आंकड़े, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा 6 अक्टूबर को सुनेंगे आपकी दलील। चंदौली जिले के सैयदराजा पुलिस के द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 लोगों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। 8 अक्टूबर तक झारखंड में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आगरा के थाना फतेहाबाद में जमीन के विवाद में संघर्ष, मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल, गांव में चकबंदी सहमति की बैठक के बाद हुआ विवाद। फिरोजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसागंज को मिली 20 बेड की सौगात, पर्यटन मंत्री ने किया लोकार्पण, मरीजों को बांटे गोल्डन कार्ड। भारत ने एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में बना ली जगह, टीम इंडिया ने मंगलवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। BNPL से पेमेंट पर फंस सकते हैं कर्ज के जाल में, 8 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑनलाइन सेल। 57,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। कॉफी विद करण शो का एक वीडियो सुर्खियों में, दीपिका संग रिश्ते की बात पर भड़क गए थे रणबीर, रणबीर कपूर भी थे मौजूद। आमिर खान ने सनी देओल के साथ मिलाया हाथ, फिल्म लाहौर 1947 के लिए साथ आए दोनों स्टार्स, आमिर खान प्रोडक्शन ने मंगलवार को की घोषणा। एरविश यादव लौटाना चाहते हैं बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी, बोले यही मेन जड़ है, इसे ले जाओ। दर्शकों फटाफट में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।